बीच प्रोमिनाट पे पहुंच गया हूँ। ये बहुत लंबा गया, बाथरूम की तरह बना रखा है। मैं अभी जा रहा हूँ एक छोटे से गांव में जो कि करीब बाथरूम से 15 किलोमीटर के आसपास दूर है, लेस देन 15 आई गेस, मे बी 12, 13, 14। तो उसका नाम है गुनियो, एंड जिस हॉस्टल में मैं बाथरूम में रुका हुआ था, मैं उसके ओनर से बात कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक छोटा गांव देख पाऊँ जॉर्जिया का, वहाँ कुछ दिन अगर बिता पाऊँ तो इट बी ग्रेट। तो उन्होंने बातों में मुझे बताया कि उनकी सिस्टर हैं जो कि गुनियो, जो उनकी होम विलेज है, तो वहाँ वो रहती हैं और एक गेस्ट हाउस टाइप का ही कुछ चलाती हैं वो। और क्योंकि वहाँ भी एक बीच है तो कुछ लोग वहाँ भी रुक जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरेस्टेड होऊंगा तो क्या आप मुझे उनसे बातचीत करा सकते हैं कि वो मुझे होस्ट कर सकें वहाँ पर। तो फिर उन्होंने मेरे को न सिर्फ उनसे बात कराई, वहाँ पे मेरी बुकिंग कराई, जो मैं यहाँ पे कर रहा था बाथरूम में वही मेरे को वहाँ पे भी पे करना होगा, मतलब दैट्स बिजनेस फॉर देम। सो बट आई एम वेरी ग्लैड कि मैं जा पाऊँ। तो मैंने ये यानदेक्स टैक्सी की है, यहाँ पर यानदेक्स ही चलती है, ऐप जैसे उबर होती है पूरे रशियन स्पीकिंग टेरिटरी में। रशिया की कंपनी है यानदेक्स, जो कि गूगल की तरह सर्च इंजन रन करती है, जो उनका मेन बिजनेस है। उसके अलावा टैक्सी और बहुत सारी ऐसी ऐप्स, वो लोग ट्रांसलेटर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप, सब कुछ है उनकी। तो यानदेक्स की टैक्सी ही जॉर्जिया में भी चलती है, उबर मैंने नहीं देखी, एटलीस्ट उबर यहाँ पे सब यानदेक्स ही यूज़ करते हैं। तो यानदेक्स से मैंने बुक करी, एंड नॉर्मल टैक्सी लाइक अगर आप हेल करेंगे तो उससे ज़्यादा चीप है यानदेक्स पे टैक्सी करना। मुझे गोनियों के लिए करीब करीब 25-30 लारी बोल रहे थे नॉर्मल टैक्सी पे, यहाँ पर मैंने 15 में बुक करी है, तो काफ़ी अंतर है, हाफ ऑलमोस्ट। एंड मेन बात है कि कोई आपको आर्ग्यू नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको एड्रेस डालना है, एंड यू नो देन यू आर फ्री। ये टोयोटा प्रायस, और यहाँ पर टैक्सी में प्रीटी मच टोयोटा प्रायस ही चलती है, जो कि एक हाइब्रिड कार है। करीब 20-25 एक किलोमीटर में एवरेज आ जाती है यहाँ पर इसमें। एंड ये भाई साहब बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते, बहुत कम। इन्होंने पहले डिनाई कर दिया, फिर उसके बाद 15 मिनट वेट कराया, फिर ये फाइनली आए हैं। ये जाना नहीं चाहते थे मैं गाँव दूर में, तो इंडिया जैसे ही है अगेन, यहाँ पर भी फंडा वो मैंने रेस करी यानदेक्स पे कंप्लेन, देन ही हैड टू रिस्पॉन्ड, देन ये आए एंड मुझे पिकअप किया। दिस इज ऑल द मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी जो नया बन रहा है सारा, यहाँ सब टॉल हाउसिंग, मॉडर्न हाउसिंग बन रही है। तो ये वो घर है जहाँ मैं आया हूँ, सामने समुद्र दिखाई दे रहा है, और ये सेंटर ऑफ द सिटी है। पहाड़ों में कई घर बने हुए हैं, ये भी उनमें से एक है। ये एना है जो उस होटल हॉस्टल ओनर की सिस्टर है, इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। इनका घर बहुत सुंदर है दो अंदर से, पर बहुत ही ज़्यादा डैम्प है, मतलब इतना ह्यूमिड है। इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि हर कुछ दिन में बारिश जाती है, जो भी टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, बहुत ह्यूमिड होता है। अभी बहुत ह्यूमिड है, और बट रूम बहुत सुंदर है, बट बहुत ही ज़्यादा स्टफी है राइट नाउ, मतलब ह्यूमिड है। इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, और एक और गेस्ट हैं जो दूसरे रूम में रुकी हुई हैं, वो भी जॉर्जियन है, बट उन्हें इंग्लिश आती है, तो उनकी मदद से मैंने थोड़ा बहुत इनसे ट्रांसलेट किया। इनका रूम रेडी नहीं है अभी, तो या तो ये कोशिश करें कि कोई नेबर हो, वो यहाँ पे सब बहुत सारे लोग हैं प्रोबेबली जो गेस्ट हाउस चलाते हैं, तो इफ़ शी कैन पुट मी देयर इट्स ओके, अदरवाइज मे बी मुझे यहीं पे ही करना पड़ेगा गुजारा। ये इनकी मर्सिडीज़ है, कार है इनके पास, और गांव में सबके पास ही गाड़ी है, और ये कम से कम 25-30 साल पुरानी मर्सिडीज़ होगी, बट फिर भी मर्सिडीज़ है। यहाँ पे लोगों को फ़ोन, चाहे इनकम कुछ भी हो लोगों की, बट लोगों के पास सबके पास आईफोन है फ़ोन के लिए, और गाड़ी है एकदम मर्सिडीज़ BMW टाइप्स। तो ये इनका घर है,
जो इन्होंने गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर लिया है, छोटा सा लिविंग रूम है, ये एक गेस्ट रूम है इस तरह से, एंड यहाँ ये कॉमन रूम हॉल टाइप का है, एंड ये एक और गेस्ट रूम है, सो या छोटा सा सुंदर सा टू स्टोरी हाउस है, नीचे इनकी किचन वगैरह है। ये ईवा है, ये मरीना है इनकी मदर। मरीना स्पीक्स इंग्लिश एंड शी इज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग मी ट्रांसलेट एंड कम्युनिकेट विद द ओनर ऑफ द गेस्ट हाउस, एंड शी इज़ अ कंपेनियन विद मरीना, एंड ये इनकी डॉटर छोटी सी ईवा। हेलो हेलो ईवा। Mina was telling me that she actually was born in Russia, in St. Petersburg, and I was raised in Kazakhstan. Yeah. I am Kazakhstan citizen. Astana? Yeah. Astana. Or you studied in Kazakhstan, that's why you were able to speak English? Like. I was studying in Nazarbayev Intellectual School, and we were studying in English. Okay. But it was 6 years ago, and my English... speaking skills is low now. No, I think that's pretty good. I mean, especially in Georgia, that's pretty, like, pretty much the first person I could communicate effectively in English, basically. Yeah. Okay. I guess Marina's husband is here as well. Yeah, so they're traveling together as a family. So they've come here to enjoy the beach at Bunyu, right? Yeah, so they live in Tbilisi. So how did you come to Georgia? I mean, after having lived in Russia, like, you're Russian, right? I'm half Russian and half Georgian. Oh, okay. So your father was Georgian? Yes, my father was Georgian. Mother was Russian, okay. Yes. Okay, so you studied in Kazakhstan, like, all your life? Like, all your studies have been in... Only, I finished school here. So, you studied in Kazakhstan, then came here, born in St. Petersburg, studied in Astana, and then Georgia. I finished high school, and then I went to China for 1 year to study Chinese language and culture. Oh, so you know Chinese as well? Yes. Awesome. Then I came back to Russia. And then Georgia? Yes. And your husband is Georgian? Yes. Okay. My husband in Georgia, but he was raised in Kyrgyzstan. Oh, so is it common for the Russian family, because it was one single country at one point of time, USSR, so it's common easy for people to move, that you can, you know, like, complete half your education in one country, then move to other country It's okay, it's common. So it's easy for people to move. Yes, basically. A lot of Georgians live in Russia, Kazakhstan, and other countries. Okay, and you already knew Georgian, that's why you could come here and study in the university here? No, I don't speak Georgian at all. Oh, so you manage with Russian here? Yes, and I use my husband to translate. Okay, that's interesting. Bye. Bye. तो बेसिकली जहाँ मैं अभी था, मरीना, जहाँ मैं मरीना से बात कर रहा था, तो वो जो गेस्ट हाउस था, वो जो मैंने बताया था, हॉस्टल ओनर के थ्रू मैंने बुक किया था। तो वो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पर वो मरीना और उनकी फैमिली आए हुए थे पहले से, और जो रूम उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे, उसमें एक्चुअली एयर कंडीशनर होना था, और उसके वो पैसे भी चार्ज कर रहे थे बेसिकली, एंड येट वो वाला रूम ऑक्यूपाइड था, और दूसरा रूम बहुत छोटा भी था और बहुत ही डैम था, मतलब मुझे बिल्कुल, एक तो स्मेल आ रही थी उसमें बहुत, और मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि रुक जाओ, क्योंकि बारिश आ गई है तो फिर थोड़ा ठंडा हो ही जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, बट मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। एंड फिर उन्होंने एक नेबर को कॉल किया, ये जो घर था, इनसे बात करी कि आपके पास रूम खाली है, एयर कंडीशनड एंड वेंटिलेटेड है, वगैरह वगैरह। तो देन फाइनली दे अरेंज्ड, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास है। तो इन्होंने फिर मुझसे और भी डबल पैसे लिए, बट या इनका घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी और भी अच्छा है, मॉडर्न बना हुआ है एकदम। एंड तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, तो मरीना के हस्बैंड जो आ रहे थे उस समय, दे हैड टू गो
with the car to the beach. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, पास ही है वो वाले घर से. तो थेमी स्ट्रीट पे है, अब मैं नीचे जा रहा हूँ टुवर्ड्स द बीच, टुवर्ड्स द सिटी सेंटर. देखता हूँ क्या है और आपको भी दिखाता हूँ गांव में कैसा है. प्रिया कि मैं गांव में भी आया हूँ और मैं एयर कंडीशनर भी ढूंढ रहा हूँ, बट सीरियसली मतलब इस समय इतनी गर्मी है यहाँ पर कि रात को सो पाना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी एंड मजाक की बात नहीं है. मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी 80-90% हो, आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की जैसे गर्मी होती है, यू नो बारिश का उमस वाला मौसम जो होता है, और उस पर आपके पास पंखा भी नहीं हो. यहाँ पंखे नहीं होते हैं, लाइक पूरे यूरोप में ही पंखे नहीं होते हैं. तो उसमें रहना इज लाइक रियली डिफ़िकल्ट. और इनफैक्ट ये लोग भी खुद भी मतलब दे आर यूजुअली दैट्स व्हाई इन समर्स वेरी काइंड ऑफ स्कैंटली क्लैड. इवन स्ट्रीट्स में लोग ऐसे ही मतलब यू नो निकल जाते हैं. तो पर मतलब अदरवाइज रात को सो पाना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बंद कमरे में इज लाइक या तो आप बाहर. तो अभी देखो ये घर बन रहा है और कितना सुंदर घर है, कोई कहेगा गाँव का घर है ये. घर में मैं आया हूँ, वहाँ पर बेसिकली दो फैमिलीज और आई हुई हैं ऑलरेडी, वो रह रही हैं और वो थोड़े समय से रहेंगे, एक हफ्ते भर से रह रही होंगी आई गेस. और वो दोनों ही तबिलिसी से, यानी कि बहुत सारे, और वहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे. एंड दे वर सो एक्साइटेड टू सी समबडी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आउटसाइड ऑफ जॉर्जिया आई मीन. तो उन लोगों से काफ़ी बातचीत हुई, मैंने बताया भी कि लाइक आई रन अ यूट्यूब चैनल. तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट दे वर वेरी शाई ऑल्सो, वो कैमरा पे नहीं आना चाहते थे. तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें कन्विंस करने के लिए कि वो कैमरा पे आए, एंड पता नहीं कुछ अगर इंटरेस्टिंग सी बात है हम लोग कर पाए जो कैमरा पे दिखा पाए, तो दैट विल बी ग्रेट. बट काफ़ी अच्छा लगा, बहुत लाइवली सा एटमोसफेयर था. पहले मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ आ गया, मैं करूँगा क्या, और मैं तो बिल्कुल बोर हो जाऊँगा, मुझे रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. स्पेशली जब वहाँ पर बैड इंसिडेंट हो गया कि भाई मिल नहीं रहा था यू नो कमरा एंड ऑल दैट, तो मैं लग रहा था शायद वापस चला जाऊँ. बारिश भी होने लग गई और यू नो कोई यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना नहीं है, बस वगैरह चलती है, वो भी घंटे में एक आती है, कभी नहीं भी आती है, रात में तो होती नहीं है, अभी शाम हो रही है. तो मैं थोड़ा सा यू नो टेंशन में था ही कैसे होगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि आई मेड अ गुड चॉइस, गुड डिसीजन टू कम टू. अब ये देखो मेरे पीछे गाय भी हैं, यहाँ पर गाँव में प्रॉपर गाँव है, यहाँ पर आगे खेती वेती हो रही है. और एक जहाँ मैं रुका हूँ जिस लॉज गेस्ट हाउस घर जो भी बोल लो उसे, तो वहाँ पर एक झरना भी है साथ ही में, बिल्कुल उनकी बालकनी से दिखाई दे. बालकनी में उन्होंने बड़ी अच्छी सी बैठक बना रखी है, जहाँ खाना वाना किचन भी है वहीं साथ में ही. तो देखता हूँ आज कुछ उन लोगों के साथ कुछ बनाऊँगा, मैं भी उनको इंडियन खाना खुद खिलाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होगा. फिलहाल तो मैं बीच पर जा रहा हूँ, देखता हूँ बीच का माहौल कैसा है यहाँ पर. एंड यहाँ शायद सैंडी बीच है, इसीलिए पॉपुलर है यहाँ पे गोनियों में, जो भी थोड़े बहुत टूरिस्ट आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि जैसे ये सब लोकल जॉर्जियंस हैं जो जिनको पता है इस बीच के बारे में, एंड वो हैं. तो बहुत बहुत भीड़ नहीं होगी, प्रोबली खाली से ही होगा. सब जगह गाय की गोबर पड़ी हुई है वही इंडिया की तरह. एंड तो बना रहा था, मेरे पैर से केक कट गया. बैठ गया, फिर उसको साफ किया बड़ी मुश्किल से. अब मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई है नहीं ज़्यादा लोग सड़क पे, और जो है भी उन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि बीच पे जाने का रास्ता क्या है. सो मैं चलते चलते फाइनली आई मेट हिम, ही इज अ जॉर्जियन फ्रॉम तबिलिसी, ही इज आल्सो हॉलिडेइंग हियर. या so he said ki okay I asked him directions to the beach and he said okay I'll guide you to the beach that's down the road. No, so we don't need the beach, yeah. You go always this way or you can go the other side, yeah. Or everywhere the same, but this is the shortest way for me. Where is the house? Okay, mm-hmm. House. Where is the house? Where did
Where you say Gibbo's house? I you know, I'm living somewhere up in the mountain. Somewhere up there. Yeah. Nice place, man. Good. Really? Yeah, really. I like this kind of places. Yeah. Yeah, sometimes you it's really to, beautiful even you have to walk, but this time you have very nice views and air. So it's always very positive. Yeah. I prefer always to walk a little bit, but so nice ye Georgian hai but Tbilisi se hai. You've been here for 2 days already. I have been in Batumi. You know Batumi? Yeah, I do. I've been there. I'm coming here and from Batumi. And also, if you go a little bit higher in Kobuleti, this place is better. Kobuleti, yeah. I've heard here, there is more dry climate. Okay. And it's not so warm like here. Here, very warm, hot and humid. You can't breathe so well. Yes. Kobuleti is better, so. Okay. What is Kobuleti popular for? Beaches also? 30 kilometers, I think, from here, or 50, not too much. Okay. And this is the same place like here. Okay. I also heard about Poti, that it's a good place to Poti go. Poti is totally on top. I have been in Poti, but just for the some reasons, for like job or something like that, but never for like tourists. Rest. Because there is also seaside, but I don't know how it is. Okay. Beach promenade pe ponch gaya hu. ये बहुत लंबा अगेन बातूमी की तरह बना रखा है, उतना एक्टिव तो नहीं है. अगेन यहाँ पे छोटी छोटी वैसी ही लगभग दुकानें, आइसक्रीम्स एंड यू नो गेम्स एंड ऑल दैट. और वो जो अंकल जी थे जो मिले थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि कहाँ आप खाना खा सकते हो यहाँ पे, कहाँ से बस मिलती है बातूमी जाने के लिए, टैक्सी कहाँ से मिलती है, कितने में मिलती है. हवा चल रही है तो फिर नॉइस आएगा काफ़ी. मैं कहीं थोड़ा सा साउंड देखता हूँ कि जहाँ मिल पाए. ये सी है, ये भी रॉकी बीच है, मुझे गलत पता था, यानी कि सैंडी बीच है. तो एनीवेज उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई. एंड यहाँ अगर मेरे पीछे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी सी साइड, जैसे बातूमी में सी साइड अपार्टमेंट बन रहे हैं और बिक रहे हैं, ऐसे यहाँ पर सी साइड बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं और वो सेल होते हैं वही वेकेशन होम्स की तरह पूरे जॉर्जिया से. यहाँ पे काफ़ी सारे, दिस लाइक अ लो बजट आई थिंक, मुझे जो देख लगा कि लाइक इंटरनेशनल जो हॉलीडे मेकर्स हैं जो बीच पे जाना चाहते हैं वो बातूमी जाते हैं, और जो लोकल लोग हैं वो गुनियों और पोती और कोबुलेटी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं कि जहाँ पर इक्वली गुड वाइब्स हैं बट लेस क्राउडेड है और चीपर है प्रोबेबली. पैरासेलिंग का है, मैं एक बार पूछ के देखता हूँ यहाँ पे कितना है पैरासेलिंग. मैंने वहाँ बता किया था बातूमी पैराग्लाइडिंग, बातूमी भी नहीं कहना चाहिए, पैराग्लाइडिंग, जब मैं वहाँ गया था ऊपर कसबेगी के पास में गुदौरी. तो देखते हैं यहाँ पे कितना ये लोग बोलते हैं. 250 लारी का फ्लाइट था और फ्लाइट वुड बी मोर लाइक 10 मिनट्स. तो वहाँ पीछे जो माउंटेन है जहाँ पे जैसे मैं भी रह रहा हूँ, तो वहाँ और ऊपर लेके जाते हैं ड्राइव करके एंड फिर वहाँ से फ्लाई करते हैं और यहाँ बीच के आसपास कहीं पे लैंड करते हैं. 10 मिनट के आसपास का फ्लाइंग टाइम है 250 लारी में. अभी बारिश शुरू हो गई है एंड सब लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं बीच से, मुझे भी जल्दी से निकलना पड़ेगा. मुझे तो 15-20 मिनट वॉक करना है, वो भी अपहिल अगर तेज़ हो गई बारिश तो बड़ी दिक्कत होगी. एकदम से ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और मैंने यहाँ पे ये खट जैसी बना रखी है शेल्टर, ये यहाँ पे अभी मैं रुक गया हूँ ताकि बारिश थोड़ी सी ठीक हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होती जा रही है, 15% के आसपास बची है केवल. और मुझे GPS भी चाहिएगा. यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं बट नोबडी अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड मुझे बेसिकली GPS भी चाहिएगा वापस जाने के लिए. और मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है, मैं रियली निकलते हुए भूल गया, इतना बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने. आई डेंट एंटिसिपेट, मुझे लगा जब 5 मिनट वॉक करके जाना है वापस आ जाऊँगा अभी, और मैंने नंबर लिया नहीं निकलते हुए. अब मुझे एड्रेस याद है बट एड्रेस प्रोनाउंस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो GPS इज़ दी ओनली थिंग. तो फ़ोन प्रॉब्लम मैं ऑफ ही कर दूंगा एंड देन आई स्विच ऑन व्हेन आई कैन बेसिकली नेविगेट. तेज़ बारिश हो रही है कि ये छत भी कहीं कहीं लीक करने लगी है और वहाँ पीछे पानी जो है उसमें बहुत तेज़ उफान आ गया है एंड
पता नहीं लोग तैर रहे हैं कैसे तैर रहे हैं, कई लोग तो तैर नहीं पा रहे मतलब अगेंस्ट द करंट एंड दे आर रिटर्निंग। और इतनी तेज़ बारिश में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँगा, अभी कितनी देर रुकना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा मुझे, यहाँ किसी को जानता भी नहीं, कोई लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहा है एंड आई डोंट नो। अंधेरा होना शुरू हो गया, पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा बिकॉज इट्स लाइक मेरा वीडियो में लाइट है बट इट्स लाइक अंधेरा होना शुरू हो गया है, काफ़ी डार्क हो गया है शाम एंड जो लोग थे यहाँ पे वो भी पूरी में जाने लगे, उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने उनको बोला कि यार एटलीस्ट मेरे को कहीं यू नो सिटी सेंटर टाइप तक छोड़ दो, वहाँ से आई प्रोबली वेट देयर और फाइंड समथिंग टू गो अप द हिल, या थोड़ा रुक जाएगा, तो उन्हें समझ में ही नहीं आया। फाइनली जब मैं आ रहा था, लकीली फॉर मी मुझे एक बंदे ने अपना कार्ड दिया था, वो जो मैंने बताया था ना कि टैक्सी वाले के बारे में भी बताया, उसने मुझे बस के बारे में बताया, तो यू नो एक टैक्सी वाले से उसने बात करी थी, तो उसने अपना कार्ड मुझे दिया था, मतलब उन्हें दिया था रादर, उन्होंने मेरे को दे दिया था एंड मुझे याद ही नहीं था उस कार्ड के बारे में। तो फिर मैंने फाइनली यू नो जब उसको ही कॉल करता हूँ मैं, तो फिर मैंने उसको कॉल किया एंड वो कह रहा है मैं 20 मिनट में आऊँगा, तो देखते हैं वो आता है नहीं आता है बिकॉज बारिश बहुत तेज़ है और बढ़ती जा रही है, रुकी मेरी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए मुझे वेट करते हुए। आई होप वो आ जाए और मैं पहुंच जाऊं क्योंकि आई डोंट रियली वांट टू बी स्टक हियर एंड देर इज़ नो वे मैं किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास नंबर नहीं है, विच इज़ सच अ स्टुपिडिटी एट माई एंड एंड बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, अगर अभी भी वो नहीं आया 15-20 मिनट तो वही कॉन्टैक्ट भी पता नहीं कैसे ही कर पाएगा मुझे। तो कुछ लास्ट सेट ऑफ लोकल लोग हैं जो बचे हुए हैं जो थोड़ा मदद करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एंड टैक्सी ड्राइवर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, हैव नो आइडिया कि अब क्या होगा। आई एम स्विचिंग ऑफ माई फोन मोस्ट लाइकली एंड आई एम वेरी टेंस फॉर श्योर, आई एम वेरी वेरी टेंस। बारिश बिल्कुल भी बंद होती हुई नहीं दिख रही, बिल्कुल भी बंद होती हुई नहीं दिख रही। पे खड़े हुए थे, पुलिस वाला भी आया, पुलिस वाले को भी समझाया, उसने भी कोई हेल्प नहीं करी। फाइनली ये भाई साहब जो है ये वहाँ खड़े थे, इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको पहुँचा देता हूँ, तो पता नहीं ये पहुँचा पाएंगे नहीं पहुँचा पाएंगे और उन्होंने क्या समझा, ये पैसे लेना चाहते हैं मुझसे, क्या करना चाहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है छोड़ दे संभव मुझे वहाँ पर, तब देखेंगे जो भी पैसे मांगे या जो भी कहेंगे या जो भी करेंगे, फिलहाल एटलीस्ट एक गाड़ी में तो बैठ गया हूँ मैं। मैं जस्ट अभी अपने रूम पे पहुंच गया हूँ एंड ये मेरा रूम है एंड केवल 1% बैटरी बची थी और यू नो जीपीएस पे मैंने डाल दिया था एड्रेस ताकि वो ड्राइव कर पाए एंड उन्होंने उतरते वक्त मेरे से 5 लारी मांगे और मैंने खुशी खुशी उन्हें 5 लारी दे दिए, ही रियली हेल्प मी एंड फाइनली आई एम वेरी रिलैक्स कि फाइनली मैं पहुँच गया हूँ एंड मैंने कुछ खाया नहीं है तो प्रॉब्ली अब खाऊँगा मैं कुछ।